तो फ्रेंड्स, क्या आप एक यूट्यूबर हैं? आपका यूट्यूब पर एक चैनल है? अगर हाँ तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल को सर्च लिस्ट पर ला सकते हैं, सर्चेबल बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज के समय पर हम कोई से भी अगर यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, किसी भी नाम से अगर क्रिएट करते हैं, तो ऑलरेडी उस नाम से पहले ही चैनल क्रिएट हुआ रहता है, जिसकी वजह से जब हम अपने चैनल के नाम को सर्च करते हैं तो वहाँ पर किसी और के चैनल का यहाँ पर शो करने लग जाता है, शुरू में आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, और इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने चैनल को सबसे टॉप पर ला सकते हैं। आपके चैनल के नाम से चाहे कितने भी चैनल बने रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे, तो इसके बाद आपका जो चैनल है वो सबसे टॉप पर आएगा, सबसे फर्स्ट पर आएगा। और ये सेटिंग मैं आपको एक स्मार्टफोन में करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, अपने स्मार्टफोन्स में आपको सारी सेटिंग करके बताऊंगा कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसकी वजह से हमारे चैनल टॉप पे आने लगेगा, फ्रेंड्स सर्चेबल बन जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम कोई से भी एक नाम से चैनल क्रिएट करते हैं लेकिन जब वो सर्च पर नहीं आता, तो हमें बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अजीब सी फील होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से एक चैनल क्रिएट करते हैं, उस पर वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन जब हम यूट्यूब पर जाते हैं, अपने चैनल के नाम को सर्च करते हैं, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो नहीं करता, बल्कि किसी और का चैनल आता है, यहाँ पर मज़ा नहीं आता। तो बस कोई बात नहीं, इतने दिन तक आपका चैनल शो नहीं कर रहा था, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैनल शो करने लगेगा। फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में बताया गया ट्रिक को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, सही तरीके से फॉलो कीजिएगा, इसके बाद 100% मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, आपका चैनल टॉप पे आएगा, सर्चेबल हो ही जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह एक वीडियो लेकर आते रहता हूं। फ्रेंड्स, तो बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ वाई टी स्टूडियो, यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ फर्स्ट वाले लिंक पर, यूट्यूब स्टूडियो। यहाँ पर सिंपली हमारा चैनल खुल करके आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिंपली जो चैनल है वो यहाँ पर आ गया है, जो कि हमारे चैनल का नाम है संदीप की टेच। अब यहाँ पर सिंपली इस चैनल को यहाँ पर सर्चेबल बनाना है, हमको टॉप पे सर्च आना चाहिए, मतलब कोई भी अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करेगा संदीप की टेच, तो हमारा चैनल सबसे टॉप पर दिखाना चाहिए। फ्रेंड, अब ये कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से सिंपली यहाँ पर आप ओपन करना है अपने चैनल को। चैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर दिखा रहा है, चैनल डैशबोर्ड ऐसे उससे हम खुल करके आपके पास भी आएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं सेटिंग, तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है चैनल पर, देख सकते हैं चैनल, आपको चैनल पर क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कीवर्ड्स, देख सकते हैं कीवर्ड्स, यहीं पर मेन खेला है फ्रेंड, जो आपको करना है सेम यहीं पर करना है। आपको करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं नेम दिखा रहा है, नेम का मतलब होता है हमारे चैनल का, यहाँ पर नेम हमारे शो कर रहा है कि हमारे चैनल का नाम दिखा रहा है कि संदीप की टेच। तो आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स यहाँ पर लिखा है इस कीवर्ड पर आपको टाइप करना है अपने चैनल का नाम। यहाँ पर सिंपली मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम है संदीप की टेच। ये टाइप करने के बाद फिर सिंपली यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है इस प्रकार से, कॉमा, इसके बाद ये जो है एक टैग बन जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसी करके आपको 3-4 यहाँ पर आपको टैग लगा देनी है। यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जो दिखा रहा है इसको मैं सिंपली यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सिंपली मैंने किया कॉपी, अब यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर सिंपली। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली मैं कर देता हूँ पेस्ट, देख सकते हैं हमारा टैग बन गया संदीप की टेच। फ्रेंड्स, संदीप की टेच तो हमारे चैनल का नाम हो गया। अब इसे अपोजिट भी कर सकते हैं, टेच की संदीप कर सकते हैं, या फिर खाली संदीप लिख सकते हैं, या खाली टेच भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से आपके चैनल से रिलेटेड जो है आपको 5 से 7 कीवर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है फ्रेंड्स, जो आपको सर्च करने सर्चेबल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है जो कि आपके चैनल से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है संदीप की टेच, यहाँ पर मैंने टाइप किया, हिंदी ट्यूटोरियल टाइप कर दिया, टेक्निकल टाइप कर दिया, संदीप की टेच टाइप कर दिया, इसे हमने स्मॉल पे किया, यहाँ पर हमने कैपिटल पे भी कर दिया। तो इस तरीके से आपको ऊपर नीचे करके सिंपली आपके चैनल के नाम को यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है, बस बात खत्म। फ्रेंड्स, 5 से 7 की वर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है कुछ इस प्रकार से, जो मैं आपको बता दिया। यहाँ पर आपके चैनल के नाम को टाइप करने के बाद सिंपली आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपलोड डिफ़ॉल्ट, देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड डिफ़ॉल्ट पर, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, अब जितने बार भी आप वीडियो अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर अगर एक बार आप जो चीज़ लिख करके रख दिया रहेंगे, उसे आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख करके आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली जो डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं अपने यूट्यूब के, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट के नीचे में आपको यहाँ पर लिख देना है सिंपली संदीप की टेस्ट, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग लगाना है ना, हैशटैग लगा करके आपको अपने चैनल का नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे देख सकते हैं, मैं लिख कर रखा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग और डेस्क करके लिखा हूँ हैशटैग टेस्ट किंग संदीप, सॉरी मतलब संदीप की टेस्ट, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से आपको भी अपने अपलोड डिफ़ॉल्ट पर जा करके सिंपली यहाँ पर आपके चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर देना फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी आप हैशटैग डालेंगे तो यहाँ पर स्पेस नहीं लगाना है, स्पेस नहीं देना है, सबको जोड़ करके ही लिखना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको सिंपली टाइप करके जो चैनल का नाम है उसे आपको टाइप कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है, कुछ इस प्रकार से सेव पर आपको क्लिक कर देना है, ये जो है सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। हमारा मेन काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ये करना है। इसके बाद आपको YouTube पर जाना है, YouTube पर जाने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है आपके चैनल के नाम को। इसके बाद जैसे कि अभी मैं आपको सिंपली ले चलता हूँ YouTube पर, आपको ले चलते हैं YouTube मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने सर्च पे गया, सर्च पर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अपने चैनल का नाम, हमारे चैनल का नाम सबसे टॉप पर आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ संदीप की टेच, अभी हमने जस्ट अभी बनाया है फ्रेंड्स सर्चेबल, अभी जस्ट सेटिंग किया है तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन हम पूरा सर लिखेंगे तो आ जाएगा। हमने पूरा लिख दिया संदीप पिटेच, अब यहाँ पर टॉप पे हमारा चैनल आ जाएगा फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आ जाएगा फ्रेंड। देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर हमारा चैनल आ चुका है संदीप पिटेच, जो हमारा चैनल है, जो मेरा सेकेंड चैनल है, यहाँ पर सिंपली शो कर रहा है एकदम टॉप में फ्रेंड, देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस चैनल पर भी आपको ढेर सारी वीडियो दिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें भी आपको आने वाले दिनों में यूट्यूब कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, यूट्यूब को लेकर के बहुत सारी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो इसमें प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स, अच्छे से आपको वीडियो दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे ही अभी जो हमने सेटिंग की थी, उस सेटिंग यहाँ पर काम कर रही फ्रेंड, देख सकते हैं वहाँ पर हमने सेटिंग की और यहाँ पर हमने सर्च किया तो हमारा चैनल सबसे टॉप पर दिखा रहे, देख सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर आपको सर्च कर दिखा रहा हूँ संदीप की टेच, यहाँ पर हमने सर्च किया, अब यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हमारे चैनल सबसे टॉप पे आ रहा है फ्रेंड्स, जबकि हमारे चैनल पर सिर्फ अभी 3 वीडियोस है। और फ्रेंड्स इस सेटिंग को करने के बाद अगर आपका चैनल सबसे टॉप पे ना है तो आपको क्या करना है, आपको इस सेटिंग को कर लेना है जो सेटिंग मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। इस सेटिंग को करने के बाद आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, और सर्च करने के बाद सिंपली आपको अपने चैनल को जो है ओपन करते जाना है बार बार, मतलब आपको YouTube पर जाकर से अपने नाम को सर्च करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके ढूंढना है आपके चैनल को, और आपके चैनल को ओपन करके उस वीडियो की प्ले, 1-8 वीडियो को आपको प्ले करके देखनी है फ्रेंड्स। मतलब आप सिंपली यहाँ पर अपने YouTube पर सर्च करो, अपने चैनल को यहाँ पर ऊपर नीचे करके ढूंढो, कहीं ना कहीं पर तो मिलेगा फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपका चैनल। इसके बाद सिंपली आपको उसको ओपन करो और उस चैनल की वीडियोज़ को देखो फ्रेंड्स, 1-8 वीडियो को देखो, ऐसा 3-4 बार आप करते रहिए, उसके बाद आपका चैनल सबसे टॉप में आना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो तो आपने देख लिया, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने देखे घंटे कभी दबाएं, यार ये तो बिल्कुल फ्री है, अब भी कभी वीडियो को नीचे दे रेड करके सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सामने देखे घंटे कभी दबा लीजिए और वीडियो कभी भी लाइक कर दिया, सब बिल्कुल फ्री है। इससे आप क्या होगा, मेरी हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, वो बिल्कुल फ्री में। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आपका एक तो भाई है यार जो आपको हर चीज़ एकदम फटाक से और एकदम सरल तरीके से बताता है, सिखाता है, तो इसके लिए देख लाइक बनता ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं देख नई वीडियो बने के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।